है ये बड़ी खबर। आगरा में ताजमहल को खाली कराया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा में ताजमहल को खाली कराया गया है। कोरोना काल के दौरान शुरू हुआ था यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला, पर्यटन यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अब दोनों दरवाजों को लॉक कर दिया गया है। तो आपको ये बड़ी जानकारी आगरा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर ताजमहल को खाली करा दिया गया है। आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान जो है आगरा में ताजमहल जो है वहां पर बंद कर दिया गया था पूरी तरह से, लेकिन जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस दौरान खोला गया, लेकिन एक बार फिर से ताजमहल को खाली कराया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दोनों दरवाजों को लॉक कर दिया गया है। और इसी के साथ बीडीएस पुलिस और सीआईएसएफ मौके पर मौजूद है, लोगों को खाली करवाया जा रहा है, वहां पर लोगों को हटाया जा रहा है। आगरा में ताजमहल को खाली कराया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आप तक सीधे तौर पर। तो ये आगरा से बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। लगातार आगरा में आज ताजमहल को खाली करवाया जा रहा है, जो भी पर्यटन यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है। बीडीएस पुलिस और सीआईएसएफ पुलिस लगातार यहां पर कार्रवाई कर रहे हैं और ताजमहल में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। अज्ञात शख्स ने 112 पर बम की सूचना दी थी, जिसके बाद से अब ये खाली कराया जा रहा है। एहतियात के तौर पर पर्यटकों का प्रवेश जो है रोक दिया गया है, ये बड़ी जानकारी आगरा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है। तो फोन कॉल की जांच में जुटी पुलिस और इसी के साथ वहां से लोगों को खाली कराया जा रहा है, साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, क्योंकि अज्ञात शख्स ने सूचना दी थी बम के लिए और उसके बाद से यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो भी पर्यटक यहां पहुंचे हुए हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो बता रहा था कि तोता की ताल लोहा मंडी क्षेत्र से बोल रहा है और सैनिक भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है, ताजमहल के बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है, सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है, उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है, शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से ये जानकारी मिल पा रही है लगातार आगरा में ताजमहल को खाली करवाया जा रहा, फिलहाल अभी अपडेट क्या है दर्शकों को पहुंचाएं? कि ताजमहल में एक 112 नंबर पे पुलिस जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर सूचना दी गई थी कि ताजमहल में किसी विस्फोटक पदार्थ होने की संभावना है। हालांकि इसकी ओपनिंग अभी खोला नहीं गया है कि 112 पे कॉल किसने किया था। जैसे ही फोन किया गया तत्काल अलर्ट हो गई पुलिस और तत्काल सीआईएसएफ मौके पर पहुंच गई, और चूंकि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े रहते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए और साथ ही जितने भी वहां पर पर्यटक थे सबको बाहर निकाल दिया गया एहतियात के तौर पर। राहुल, सबसे बड़ी बात ये कि जिस अज्ञात शख्स ने इस बात की सूचना दी है, क्या उस फोन नंबर की जांच अभी हो पाई है कि वो शख्स कौन था, क्या नाम था और कहां से ये कॉल की गई है? प्रशासन को इसकी पूरी सूचना है, लेकिन अभी तक कोई मामला लीक नहीं किया गया है कि ये व्यक्ति कौन था जिसकी सूचना गई है। तत्काल पुलिस इसकी कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई के बाद पूरी सूचना पुलिस के द्वारा दी जाएगी। यानी कि सूचना नहीं दी जा रही है लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को खाली करवाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वहां पर बम होने की आशंका जो है उसकी आशंका अब कहीं ना कहीं सच्चाई में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। राहुल जी, देखिए ताजमहल जो है ऐतिहासिक इमारत है जिसकी सुरक्षा के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लिया जा सकता। जैसे ही कभी सूचना पूर्व में भी इस तरह की कभी सूचना मिली है तो तत्काल कार्रवाई करते हुए अलर्ट करते हुए सारे जो पर्यटक है उनको बाहर सुरक्षा की दृष्टि से निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक किसी भी पदार्थ की या किसी विस्फोटक पदार्थ की मिलने की इस पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई। ठीक है राहुल, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है वो किस तरह से आगे निरंतर बढ़ रहा है और जो वहां पर लोग पर्यटन जो वहां पर मौजूद थे ऐसे में उन्हें किस तरह से खाली करवाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? समय के लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बीडीएस पुलिस और सीआईएसएफ की जो फोर्स है वो लगातार पर्यटकों को समझा रही है ताकि किसी प्रकार का हड़कंप ना मच या कोई खौफ का माहौल पैदा ना हो। समझा बुझाकर पर्यटकों को बाहर निकाला गया, लगातार ऑपरेशन चल रहा है सर्च ऑपरेशन जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा रही है कि वहां पर मिला क्या है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राहुल बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहें क्योंकि वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है।